चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आर्टिकल का पार्ट थर्ड। तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नियम अपना सात नियम करवा चुका, आठ नियम आठों नियम है क्रमवाची विश्लेषण यानी ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये क्या होते हैं अपने ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं द फर्स्ट चैप्टर, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट चैप्टर, ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मैंने सेंटेंस लिखा, तो जो मेरा फर्स्ट जो वर्ड आया है, ये फर्स्ट वर्ड आया वो क्या है, ऑर्डिनल आया है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है, ऑर्डिनल आया। यहाँ पर सेकंड आओ, थर्ड आओ, फोर्थ आओ, हर ऑर्डिनल नंबर के आगे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। हर ऑर्डिनल नंबर के आगे क्या आएगा, यहाँ पर अपना जो फिल इन द ब्लैंक करेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना अगर जहां पर भी अपना फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, ठीक है, या थर्ड आएगा, तो उसके आगे अपन को क्या लगाना है, क्या लगाना है अपन को, द लगाना है, ठीक है। यानी अगर आपका लास्ट आ गया तो भी द लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तो भी क्या लगाना आपको, द लगाना। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाए तो भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट ट्रेन विल कम सून, ठीक है। तो मतलब शीघ्र आने वाली है नेक्स्ट ट्रेन, तो अब इसके आगे अपन क्या लगाएंगे, देन। तो आपको ऑर्डिनल का समझ में आ गया, जहां भी ऑर्डिनल आए, ओरिजिनल वो होते हैं जिसको अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे नहीं कि वहां पर 1 2 3 लिखा आ जाए और आप ओरिजिनल मान लो, वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ही इसको आए तभी आपको नेक्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट हो गए दोनों, नेक्स्ट हो गया, ठीक है, जो भी बन रहे हैं ना, टेंथ इलेवेंथ टीएच लग जाता है, ट्वेल्थ, ये सब क्या अपने ओरिजिनल है, 1 2 3 4 5 6 ये ओरिजिनल नहीं है, समझ गए आप। 1 2 3 4 5 में अलग है और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में अलग चीज है, आए समझो। चलो नेक्स्ट लेते अपन, नेक्स्ट क्या देखते अपन, नेक्स्ट अपना यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन के पहले कोई विशेषण एडजेक्टिव का यूज हुआ है, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो द का प्रयोग होता है। चलो एग्जांपल से बताता हूं आपको क्या कहना चाह रहा है प्रॉपर नाउन का। जैसे मैंने लिखा यहां पर डैश ब्रेव अकबर, ठीक है। अकबर क्या है ये बताओ पहले मुझे, प्रॉपर नाउन है या नहीं। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन मैंने कल भी बताई थी आपको, प्रॉपर नाउन किसी का पर्टिकुलर का नेम होता है, ठीक है ना, नेम होता है, इसलिए यहां पर क्या आ गया, ब्रेव आया है, उसको उसका एडजेक्टिव बताया, विशेषण बताया उसका, ब्रेव क्या है उसका एडजेक्टिव, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना। तो इसके आगे क्या आ गया, अपना एडजेक्टिव आ गया, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, इसके आगे द लगा दिया। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना, अपन एग्जांपल देखते हैं अपन यहां पर, जैसे डैश, ठीक है ना, क्रूल हिटलर, ठीक है। तो ये हिटलर तो किसी का नाम है, यानी ये प्रॉपर नाउन हो गया अपना, ये अपना क्या हो गया, विशेषण, इसकी विशेषता बताता है, ठीक है ना, और इसके आगे अपने क्या आ जाएगा, द आ जाएगा।
यानी जहां पर भी प्रॉपर नाम हो और उसकी विशेषता बताने के लिए आए तो आपको इसका आगे क्या लगाना है, द लगाना। आया समझ में आपको? ठीक है ना। चलिए तो आगे समझते अपन, नेक्स्ट नियम देखते अपन क्या हो रहा है। यदि एक प्रॉपर नाउन की तुलना गुणों के आधार पर किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए, ठीक है, तो जिससे तुलना की जाती है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है, द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखते अपन, एग्जांपल देखते हैं, कालिदास, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देता हूं उसका, कालिदास, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। देखो आप इसको किससे संबोधित कर रहा है, देखो आप समझना है अपनी डेफिनेशन क्या थी। यदि एक प्रॉपर नाउन की तुलना, यानी कालिदास क्या है प्रॉपर नाउन, और दूसरे प्रॉपर नाउन से करें, दूसरा प्रॉपर नाउन क्या है, हाँ शेक्सपियर, दूसरा प्रॉपर नाउन क्या है शेक्सपियर से करा रहे, तो उसके आपने क्या आएगा यहाँ पर, आगे क्या आएगा द आएगा। पर एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, दूसरे जो प्रॉपर नाउन में करा रहे वहां पर क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए तभी द लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसमें नोट लिखा हो, देखो एक नोट लिखा मैंने यहाँ पर, ये नोट लिखा, लेकिन सेंटेंस में ऑफ आना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में ऑफ आना चाहिए, ये नियम ध्यान रखना। आपको बिना नियम आप करना मत, है ना, ठीक है, सारे नियम तो ध्यान से देखना। देखो और एग्जांपल देखते हैं अपन, और एग्जांपल देखते हैं, उदयपुर इज, उदयपुर, 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 उदयपुर ना, उदयपुर इज डैश कश्मीर, कश्मीर ऑफ कहां का, राजस्थान का, ठीक है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा अपना द। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से अपन बना रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नदियों, नदियां, रिवर, खाड़ी, बे होता ना, बे या गल्फ, सागर, सी, महासागर, ओशियन, रेगिस्तान, नहर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते अपन किस तरह से, जैसे नदियां वगैरह आ जाए, नदियां वगैरह क्या है, द गंगा, एग्जाम्पल देखे अपन, तो नदियां वगैरह क्या हो जाएगी, द गंगा, ठीक है ना, तो उनके आगे अपने को क्या लगाना है, द गंगा, ठीक है। जैसे द यमुना, द प्रशांत महासागर, ठीक है ना, द यमुना, यमुना, द प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है ना, इस तरह से, तो इनके आगे क्या हो जाएगा, द आ जाएगा, ठीक है ना। रेगिस्तान के आगे द आ जाएगा, नहर है कोई तो उसके आगे द आ जाएगा, ठीक है ना, इन सब के आगे क्या आ जाएगा, अपना द आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नियम देखते हैं,
आगे वाला नियम क्या है अपना, एग्जांपल देखते अपन। सशस्त्र सेनाओं के पहले आर्टिकल दया का प्रयोग किया जाता है। जो सेनाएं हैं, जैसे अपनी आर्मी है, ठीक है, तो आर्मी के आगे अपन क्या करेंगे, दया का यूज करेंगे, जैसे द आर्मी, ठीक है, और जैसे द पुलिस, ठीक है, जैसे द नेवी, और द एयरफोर्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सशस्त्र सेनाओं के पहले आर्टिकल क्या किसका करते हैं, दया का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना समाचार पत्र पत्रिकाओं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी अपन किसका यूज करते हैं, दया का यूज करते हैं, जैसे समाचार पत्र पत्रिका द दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स और भी है, द पंजाब केसरी, केसरी, ठीक है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, दया का यूज कर सकते हैं, और भी जो भी समाचार पत्र होते हैं उसके आगे अपन क्या कर सकते हैं, दया का यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई मैगजीन का नाम भी आए ना तो भी अपन इसमें क्या करते हैं, दया का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल दया का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन यदि मटेरियल नाउन को विशेष बनाया जाए, मटेरियल नाउन के पहले दया का यूज नहीं करते पर मटेरियल नाउन को विशेष बनाया जाए तो आर्टिकल दया का प्रयोग किया जाता है। तो देखो किस तरह से एग्जांपल, जैसे मैं बताता हूं आपको एग्जांपल, सेंटेंस लिखता हूं, इसमें सेंटेंस ही आएगा, डैश वाटर ऑफ आना सागर, ठीक है, आना सागर लेक, ठीक है, इज डर्टी, आप देखो वाटर क्या है, मटेरियल, आप इसको काउंट कर सकते हो क्या, नहीं। मटेरियल जैसे अपना गोल्ड, सिल्वर, ये सब मटेरियल में आते हैं, ठीक है, लिक्विड जितना भी मटेरियल में आता है, गोल्ड सिल्वर वगैरह सब किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। तो उसके आगे अपन दया नहीं लगाते हैं, पर इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन स्पेशल बना रहे, नहीं बना रहे, ठीक है। आना सागर का पानी क्या है, डर्टी है, यहां स्पेशल बना दिया अपन ने, ठीक है ना, इसलिए यहां पर क्या आएगा अपना, दया आएगा। तो सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करना, ये नहीं कि मटेरियल नाउन आ गया इसलिए दया नहीं आएगा, ठीक है, सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करना, इसने कोई इंपॉर्टेंस ही दी है। अगर इस पानी का मैं कह दूं कि एक गिलास पानी का दे, तो वो स्पेशल नहीं हुआ सेंटेंस अपना, तो उसके जो पानी है ना, पानी, पानी का आगे दया नहीं आएगा, सेंटेंस को स्पेशल बनाएंगे। आप कोई फेमस चीज को आप डर्टी बता रहे हो, आप आना सागर को आप क्या बता रहे, डर्टी, तो ये क्या हो गया अपना, स्पेशल सेंटेंस हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो आगे समझिए, तो चले आगे बढ़े, तो ये इम्पोर्टेंट है अपना ये नियम, ठीक है, इस तरह के नियम आते हैं सिंपल, ये तो पता ही है सभी को। आगे देखो
रेलगाड़ी जहाज हवाई जहाज के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है ना, जैसे द शताब्दी, इसमें क्या लिख लेंगे अपन यहां पर द शताब्दी, द शताब्दी एक्सप्रेस है ना, द शताब्दी से और हो गया द राजधानी, ठीक है, द राजधानी हो गया और द विक्रांत, हाँ चेन्नई एक्सप्रेस हो जाएगा द विक्रांत, विक्रांत जहाज का नाम है, विक्रांत जहाज का नाम है द विक्रांत, ठीक है, और द मेघदूत, ये सब क्या है जहाज के नाम है, ठीक है, द आई एन एस भी जहाज के नाम, सारा समझ में जहाज के नाम आप याद रख लेना, कुछ ही विक्रांत मेघदूत आई एन एस है ना, ये नाम याद रख लेना, ठीक है। राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द से पूरे राष्ट्र के, नेक्स्ट नियम है, राष्ट्रीय बताने से पूरे राष्ट्र के लोगों का बोध हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। देखो राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द से पूरे राष्ट्र के लोगों का बोध हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो इसमें सावधानी बरतना आपको, देखना, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखो यहां पर लिखा मैंने डैश इंग्लिश आर वेरी क्लेवर, अब देखने पर तो आप तो जाकर इंग्लिश पढ़ो क्विक लगा दिया आंसर, तो आप समझो कि ये इंग्लिश में क्या है सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस लगा दोगे आप, ठीक है। कभी भी सब्जेक्ट के नाम पर आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, पर आप जल्दबाजी मत करना, क्या किताब कोई क्लेवर होगी क्या, यह अंग्रेज की बात कर रहा है वो, यहां पर किसकी बात कर रहा है अंग्रेज की, ठीक है, इससे क्या हो रहा है इसका राष्ट्रीयता का बोध हो रहा है इसमें, ठीक है, इसमें द का प्रयोग होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा द का प्रयोग होगा, आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देते, एक और सेंटेंस देते हैं, डैश इंडियंस, डैश इंडियंस आर जनरली टॉल एंड स्लिम, भाई इंडियंस क्या होते हैं अधिकतर लंबे और पतले स्लिम होते हैं, पर यहां तो क्या ज्यादा मोटे हो रहे आजकल तो तो अब ये क्या कर रहा है, इंडिया के लोगों के बारे में बता रहा है, राष्ट्रीयता का बोध हो रहा है कि ये इंडियंस लोगों की पहचान है, ठीक है, राष्ट्र की पहचान है, तो वो क्या यहां पर क्या जाएगा, इंडिया की बात नहीं, इंडिया आ जाता, इंडिया के बारे में बोलता, देश के बारे में बोलता, तो यहां पर क्या आता, दैन आता, कुछ कोई भी आर्टिकल नहीं आता, वो प्रॉपर नाउन हो जाता अपना, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना, अभी नहीं होता, नहीं आने वाले भी मैं बताऊंगा आगे आपको, किस किस पर नियम बताऊंगा, किस किस पर नहीं होते हैं आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है ना, तो आ रहा समझ में आपको। नेक्स्ट नियम है धार्मिक संप्रदाय, एक मिनट, धार्मिक संप्रदाय और राजनीतिक दल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है, धार्मिक संप्रदाय और राजनीतिक, जैसे अपन कहते द बीजेपी, ठीक है, राजनीतिक पार्टी होगी ना बीजेपी, ठीक है,
द कांग्रेस ठीक है, द एसपी समाजवादी पार्टी होती है एसपी, सेंटेंस से पहचानना पड़ेगा वो पार्टी की बात कर रहा है क्या, ठीक है ठीक है, पहचान जाओगे आप पार्टी की बात कर रहा है वो कि कोई राजनीतिक पार्टी है ठीक है, एसपी है ना, और कोई पार्टी का नाम अभी जैसे हरियाणा में जेजेपी, द जेजेपी शिवसेना है ना, महाराष्ट्र में वाल मचा रखा है ना, द शिवसेना, तो ये क्या है राजनीति पार्टी का नाम से ठीक है, और जैसे धार्मिक संप्रदाय द हिंदूज ठीक है ना, द हिंदूज और द मुस्लिम द सिख्स, तो ये क्या है अपने धार्मिक संप्रदाय है ठीक है, ये क्या अपने धार्मिक संप्रदाय है, तो उनके आगे हमेशा क्या हो गए द मुस्लिम ठीक है, द क्रिश्चियन, ये सारे क्या धार्मिक संप्रदाय है अपने, तो उसके आगे हमेशा क्या लगाते अपन द का प्रयोग करते हैं ठीक है। चलिए आगे देखते अपन, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है ठीक है, तो देखो इसका मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, इसका एग्जांपल जैसे आपको समझ में आएगा, राम ठीक है इज डैश टॉलेस्ट टॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है टॉलेस्ट ठीक है ना, तो ये टॉलेस्ट अपनी क्या सुपरलेटिव डिग्री है ठीक है, पहले पॉजिटिव डिग्री, दूसरा अपना कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा अपना सुपरलेटिव डिग्री, तो तीसरा अपना सुपरलेटिव तो टॉलेस्ट आया, टॉलेस्ट बॉय इन माय क्लास ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा अपना सुपरलेटिव डिग्री का यूज करा गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा द है, अगर यहां पर टॉल आ जाता तो कोई भी यूज नहीं करते अपन ठीक है ना, कोई भी आर्टिकल का अपन यहां पर या तो एक है तो ए यूज कर लेते अपन या एन यूज कर लेते, ए या एन यूज कर लेते अपन, समझ रहे हो मेरी बात को, पर यहां पर द नहीं आता क्योंकि यहां पर क्या हुआ है अपने सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है ठीक है, तो ये जिस चीज का ध्यान रखना, जैसे और बताता हूं, मोहन इज डैश बेस्ट बॉय इन माय विलेज ठीक है, तो इसके आगे भी अपना क्या आ जाएगा यहां पर ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ठीक है। अब देखो यदि सुपरलेटिव डिग्री नोट लिख रखा मैंने नीचे नोट लिख रखा है इसको देखो, यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले संबंधवाचक विशेषण पॉसेसिव एडजेक्टिव दे रखे, इसमें कौन से होते होते हैं माय ओवर यूअर ठीक है, उनके आगे क्या आ जाएगा अपना माय ओवर यूअर हिज हर, इनके आगे अपन किसका यूज नहीं करेंगे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, इसमें बता रखा देखो, इसमें बता रखा अपन को जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके आगे आपको किसका यूज नहीं करना है द का यूज नहीं करना है ठीक है, माय ओवर यूअर हिज हर देयर आदि का प्रयोग हो तो द नहीं लगेगा, जैसे एग्जाम्पल तो बताता हूं आपको कैसे यूज होगा, राम ठीक है, राम इज डैश माय बेस्ट फ्रेंड
तो देखो ये अपना सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे क्या लग गया, पोसेसिव नाउन, ठीक है ना। तो उसके आगे अपन को आर्टिकल द का यूज नहीं करना, यानी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए एक और नोट लिखा हुआ देखो, यदि बी वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री है तो द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। यदि बी वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री है और उसके बाद, अरे नीचे नहीं बताया नहीं, चलिए यदि बी वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सुपरलेटिव डिग्री है और उसके आगे नाउन नहीं है तो द का प्रयोग नहीं होगा। देखो इसमें समझो अंतर, जरा सा छोटा सा अंतर है उसको समझना अपन को, ठीक है ना, छोटा सा अंतर है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटर अगर ऐसे लिखा हुआ है, इट इज डैश बेस्ट टू गो देयर। अब देखो आपको लग रहा होगा कि यहां पर तो सुपरलेटिव डिग्री आई है तो अपन द लगाते हैं, पर इसके आगे देखो उसके आगे नाउन नहीं आया कोई भी, बॉय वगैरह, तो पहले क्या रहा था, बेस्ट फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या आ रहा था, नाउन आ रहा था, पर यहाँ कोई नाउन आ रहा है क्या, नाउन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है।